आप सब, मैं हूँ मीर नागर और ये मेरी मीर नागर की सिस्टर है, मेरी सिस्टर है। आप इनको जानते हैं, नेहा नागर, ये मनीषा नागर। तो हम अभी ऐसे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम बताइए क्या होगा? टाइम 6:30 बजे रात में। तो आज का हमारा बर्थडे बेटों का बर्थडे है, देखते हैं क्या बनाते हैं। आज तो एक बर्थडे अच्छा हो रही है कि अभी कम बर्थडे बॉय ये नहीं समझ में आ रहा बनाए क्या नाम भी ज्यादा कर दिया है क्या हो रहा है। तो हम बच्चे इनके सारे उनके बर्थडे बैक टू बैक आ रहे हैं और पनीर की सब्जी ये सब मतलब बोर हो गए यार क्या बनाए। बर्थडे बॉय की वो बनी जाएगी जो बर्थडे बॉय बताएगा। तो बर्थडे बॉय बताओ आप क्या खाओगे जल्दी आओ यहाँ पे जल्दी आके बताओ हमको क्या क्या खाना है। बर्थडे बॉय पूछते हैं तो भी क्या खाएगा आज क्या खाएगा मटर पनीर की सब्जी पूरी सब्जी होगी की मतलब कभी कभी बनती है। पहले जब तक खाओगा मटर पनीर की सब्जी भाई ऐसा लगता है कहाँ चीज है और अब खाओगा जब कोई ना कोई कस्टमर आते रहेंगे सब्जी वगैरह बनती है तो सोच रहे की क्या करे या तो ऑर्डर करके मंगवाएंगे या फिर घर पर बनाएंगे। गाइस मम्मा तो कभी-कभी फेस्टिवल के भी बना लेती हैं तो हम भी अब बताएंगे क्या करना है कैसे करना है। और ये मैं क्या बनाना है इतना ब्लॉग में बन रहे खाना वाना जो बनाएगी ये बनाएगी वैसे मैं मतलब डिसाइड कर रही हूँ क्या करना है। एक हमने बर्तन वर्तन धोने रख रखी है तो बर्तन परेशानी हो गई और मैं ये दोनों देखूंगी बैठ कर क्या करना है। मैं रोटी बना तो भूल चुकी हूँ फिलहाल तो मैं ये बात बताऊंगी आपको कि मुझे रोटी बनाने नहीं आ रही तो मैं ही बनाऊंगी। ज्यादातर दोनों टाइम के एक टाइम की रोटी मैं बनाऊँ एक ही बन सकती थी बना मेरे पहले वो बाहर को ज्यादा काम रहेगा ये करना इतना ही भुगते रहो बाहर को कौन बस बड़े बहुत ज्यादा जो भी ज्यादातर ये कर मिलते हैं आपसे तुमने कहा डिसाइड कर लिया अब करने का डिसाइड तो कुछ ना करो अभी यू डिसाइड होगा कि खीर बनती है ठीक है पूरी बना लेंगे यार सब्जी मटर पनीर को कह रहा हूँ तो फोन कर दियो मेरा वहीं से आ जाए चौक पर से बन गया। अच्छा दुकान पर सारे बन गए शाही पनीर बनेगा या मटर पनीर लेन के जो भी बना हुआ थोड़ी यहाँ पे तो हमारी खीर बनने की तैयारी हो चुकी है दीदी ने दूध चढ़ा दिया इधर में फैन चढ़वा पूरी बनाने के लिए। दीदी सब्जी वैसा भी हमारी ऑर्डर तो कर दिया दीदी ने बनने के लिए वो टाई नहीं है अभी बादाम बादाम बखेर वेरे सारे में अभी लगे हुए हैं काम में अभी रह रहा है अभी भी वैसे भी आज लेट ही लगी सारे काम हो रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि हम क्या बना रहे हैं आज तो मैं बना रही हूँ खीर और मनीषा इधर पूरियाँ बना रही है और सब्जी हमने होटल से मंगवा ली थी बनवा के अपनी हमारे यहाँ पे पिज्ज़ा शॉप है तो वहाँ पे वर्कर रहते हैं छोले भटूरे वगैरह सब कुछ बनाते हैं तो उन्हीं से हमने यहाँ पे सब्जी मंगवा ली है बनवा के। और इधर मैं खीर बना रही हूँ थोड़ा भंडारे स्टाइल में तो इधर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और
जो हमारे चावल थे वो मैंने धो करके हल्का मिक्सी में थोड़े कुटे कुटे से कर लिए, थोड़े दरदरे से। इससे एक तो खीर भी जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें केसर डाला था थोड़ा सा, और ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह मैंने सब कूट के डाल दिए इसमें। पहले दूध को अच्छे से बॉईल किया, फिर इसमें चावल डाल दिए, और उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए मैंने इसमें, और थोड़ा सा फूड कलर डाला है मैंने इसमें, और थोड़ा सा केसर। इससे इसका कलर ऐसा हो रहा है। बहुत टेस्टी खीर बनी थी। इधर हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। सो गाइस देखिए, आ जाइए आप भी। और ये देखिए हमारी सब्जी भी बनकर आ चुकी है। देखिए जी, खीर पूरी खाई जा रही है, जैसी कह रही वैसी खाएगी आज कल खीर पूरी। खीर को कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल क्लियर पूछ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। दीदी जा रही है पापा जी के लिए खाना लेके। मदर इन लॉ तो हमारी है ही नहीं, पापा जी हैं, वो ही हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं हमारे लिए। तो जी खाना वगैरह तो हमारा हो चुका है, अब कर लेते हैं केक कटिंग। और हाँ, मुझे एक बहन का मैसेज आ रहा था, उन्होंने बोला कि दी अपने व्लॉग में ज़रूर बताना आप कहाँ से हो। तो जी हम ग्रेटर नोएडा से हैं, दादरी के पास से, और आप हमारे सारे व्लॉग देखते हो। थैंक यू, आप सबका इतना प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। गंदगी फैला के दे दो खेलने को। चलिए तो मैं इस वीडियो का यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सब कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। थैंक यू। दीदी ये देखो।